हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। और आज का जो हमारा इंग्लिश का वीडियो है उसका टॉपिक है अप्रोचेस एंड मेथड्स इन टीचिंग लैंग्वेज। यानी एक टीचर जब इंग्लिश लैंग्वेज को एक क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसके लिए वो कौन कौन से अप्रोचेस और मेथड्स को यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अप्रोच क्या होता है और मेथड क्या होता है। सबसे पहला है अप्रोच। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल बिलीव्स और आइडियाज़ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि अप्रोच क्या है? अप्रोच एक दृष्टिकोण है, एक आइडिया है, सुझाव है, सिद्धांत है, जो कि हमें एक भाषा की प्रकृति को समझने और भाषा को सीखने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। दैट कैन बी अप्लाइड इन द क्लासरूम बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। और एक अप्रोच को हम क्लास में अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अप्रोच में एक पर्टिकुलर एक ही तरीका नहीं होता है कि यही इसका वे है, इसी तरीके से इसे हमें अप्लाई करना। हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। एन अप्रोच डिस्क्राइब हाउ पीपल एक्वायर देयर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। यानी एक साधारण भाषा में कहें तो एक अप्रोच जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो किस तरह से एक भाषा के ज्ञान को एक्वायर करता है, यानी अर्जित करता है। अब आप जानते हैं अर्जन करने का कोई स्पेशल रूल तो होता नहीं है, कोई स्टेप्स तो होते नहीं जिसको फॉलो करना होता है। यानी आप एक ऐसा कह सकते हैं कि अप्रोच में क्या होता है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता। अब इसके अपोजिट में अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड क्या है? द सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, इट इम्प्लाइज एन ऑर्डरली लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स। यानी मेथड क्या है? ये एक सिस्टमैटिक वे है। मेन डिफरेंस दोनों में जो है वो यही है कि इसमें कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं होता, लेकिन मेथड में सिस्टमैटिक वे होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं बहुत सारे जो कि ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं कि इस स्टेप को पहले फॉलो किया जाएगा, फिर इस स्टेप को फॉलो किया जाएगा। तो ये होती है मेथड की क्वालिटी। द मेथड ऑफ टीचिंग एनी टॉपिक इन इंग्लिश शुड डिपेंड ऑन द एम्स ऑफ टीचिंग दैट टॉपिक। यानी जो भी हम मेथड किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है उस टॉपिक के एम पे। यानी हमारे उस टॉपिक को पढ़ाने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को, उसके हिसाब से हम मेथड को चूज करते हैं। यू कैन थिंक ऑफ अप्रोच एज अ मोर जनरल टर्म दैट एनकॉम्पोजेस प्लानिंग एंड कंसिडरेशन एंड मेथड एज द स्पेसिफिक वे समथिंग इज टॉट। यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि अप्रोच क्या है, अप्रोच एक मोर जनरल टर्म है, ठीक है, ये एक जनरल टर्म है, और मेथड एक स्पेसिफिक वे है जिसमें हम किसी चीज़ को समझते हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, जबकि जो अप्रोच होता है उसमें बहुत सारी प्लानिंग होती है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। यानी कि ये जर्नल है और ये स्पेसिफिक है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से हम और समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस। जैसे कि आप कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है जिसका जो लक्ष्य होता है वो होता है बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना। तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चों को बस ऐसे रैंडमली बोलते हैं कि बोलो इंग्लिश में, टूटा फूटा कैसे भी बोलो, अपने तरीके से बोलो, स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं करवाते, प्रेशर नहीं करते, उनकी गलतियों को बार बार उन्हें टोकते नहीं हैं। जबकि एक मेथड की बात करें, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसमें हम पर्टिकुलर स्टेप्स को लेकर चलते हैं कि पहले बच्चे को हम रूल्स बताते हैं, वोकैबुलरी याद कराते हैं, फिर एक एक करके टेंस सिखाते हैं, प्रेजेंट को, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर को, तो स्टेप्स को फॉलो करते हैं और बच्चों को की गलतियों को बताते हैं कि बिल्कुल आंसर उनका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की अपनी वीडियो में हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ेंगे। अब हम एक हर वीडियो में एक एक मेथड को या अप्रोच को पढ़ेंगे। काफ़ी अप्रोच है इंग्लिश की और बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आज के वीडियो में हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसे ट्रेडिशनल या ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द टीचिंग इंग्लिश इन अवर कंट्री। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडियन स्कूल्स।
बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस। पहली बात कि इसे ट्रेडिशनल या ओल्डेस्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत बहुत ही पुराने टाइम से इसी मेथड से इंग्लिश को सिखाया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि पहले के लोग इसी तरह से इंग्लिश सिखाते थे, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। अब दूसरी बात है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या क्यों नाम है इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम ग्रामर का यूज़ करते हैं, उससे फिर हमारी जो भी मदर टंग है उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, या हमारी जो भी टारगेट लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसमें ट्रांसलेट करते हैं। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे इंडियन स्कूल्स में, या अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, बहुत ही सुविधाजनक विधि है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, यानी इस मेथड का क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत में ये मेथड है। द वर्ड्स फ्रेसेस एंड एक्सप्रेशन इन इंग्लिश कैन बी इजिली लर्न थ्रू देयर मदर टंग, यानी इस मेथड का मेन सिद्धांत ये है कि हम इसमें मदर टंग से जो भी बच्चे की मातृभाषा है उससे उसको इंग्लिश की, या जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसके वर्ड्स फ्रेसेस और एक्सप्रेशन को करना, ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। यानी इस पे जो मदर टंग होती है इस मेथड में वो डोमिनेंट है, मदर टंग के द्वारा ही हम बच्चे को दूसरी लैंग्वेज सिखाते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इस मेथड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है टीचिंग विद हेल्प ऑफ मदर टंग, ये सबसे मेन है कि भाई इसमें जो टीचिंग कराते हैं वो मदर टंग को बेस मान के कराते हैं। सेकंड है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, यानी इसमें शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन होता है, यानी कि हिंदी में जो भी वाक्य है उसके एक एक शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। थर्ड है ग्रामर रूल आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, इसमें एक टीचर होता है बच्चे को ग्रामर रूल्स बता देता है कि अगर कौन सा टेंस है तो आपको कौन सा ग्रामर रूल फॉलो करना है, यानी बच्चों को ग्रामर रूल रटा दिया जाता है। फोर्थ है नोन टू अननोन, यानी ये जो मेथड है वो नोन टू अननोन के सूत्र को, फॉर्मूला को फॉलो करता है, जिसमें बच्चे को पहले कुछ ज्ञात कराया जाता है, उसके बाद जो अज्ञात है उसको उसकी खोज की जाती है, उस ज्ञात जो भी उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से। फिफ्थ है ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंटेड फर्स्ट दे आर देन प्रैक्टिसाइड थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस, यानी इसमें पहले ग्रामर रूल्स बता दिए जाते हैं, उसके बाद उस रूल्स के आधार पर जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, या आप कह सकते हैं कि इसमें पहले नियम बता दिया जाता है फिर नियम से हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो ये जो मेथड है वो डिडक्टिव मेथड को फॉलो करता है, यानी कि निगमन विधि जो होती है हिंदी में उसको फॉलो करता है। सिक्स्थ है हाई वैल्यू इज गिवन टू एक्यूरेसी, यानी इस मेथड में एक्यूरेसी की वैल्यू बहुत हाई होती है, यानी जो भी बच्चे ने ट्रांसलेट किया वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सही नहीं है मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं आप कुछ भी बोलिए, आप बोल धीरे धीरे बोलते बोलते सीखे, नहीं, यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल आपको सही ही लिखना है तभी माना जाएगा कि आपको इंग्लिश आ गई है, तो एक्यूरेसी का लेवल बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसलेशन मेथड, यानी इसकी क्या एडवांटेजेस है, या आप कह सकते हैं क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेशन मेथड इज़ द ईजिएस्ट मेथड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेसेस, यानी कि ये जो मेथड है वो इंग्लिश के वर्ड्स और फ्रेसेस, यानी जो भी वाक्य या जो शब्द हैं उनके अर्थ को समझाने का सबसे ईजिएस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि हम इसमें मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी बच्चे को एक भाषा आ रही है उसी से हम दूसरी भाषा समझा रहे हैं। जैसे हमें बताना है कि एप्पल को एप्पल मतलब सेब को एप्पल कहते हैं, तो बच्चे को ऑलरेडी पता है कि ये सेब है, अब हमें बस उसे बताना है कि इसे इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, अर्थ नहीं समझाना है हमें ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही ईजी हो जाता है। सेकेंड है इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग एंड एनरिचिंग द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम, इस मेथड के द्वारा हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट टाइम में बच्चे को बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी सिखा देते हैं, क्योंकि उसे ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन में वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वोकैबुलरी उसको लर्न करने के लिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए बहुत ही, और ट्रांसलेशन के साथ साथ वो करता जाता है, तो बहुत ही छोटे टाइम में ही बहुत सारी वोकैबुलरी बच्चा सीख जाता है। थर्ड है इट टेक लेस टाइम टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इन द मदर टंग, यानी बच्चे को हमें किसी भी वाक्य का मीनिंग बताने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं हम बच्चे को, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है क्योंकि हम उसे उसकी मदर टंग से सिखा रहे हैं। फोर्थ है द टीचर हैज़ टू पुट इन लेस एफर्ट एंड लेबर वाइल यूजिंग दिस मेथड, यानी इस मेथड के द्वारा एक टीचर को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो ये बहुत ही
कम मेहनत वाला कह सकते हैं आप विधि है। फिफ्थ है, इट इनेबल्स द टीचर टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश ईजिली। यानी इस मेथड के द्वारा एक टीचर बहुत ही आसानी से चेक कर सकता है कि उसके स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, कितना स्पष्ट है जो भी उसने सिखाया है। क्योंकि अगर उसने जो भी ट्रांसलेशन दिया उस बच्चे ने कर दिया, इसका मतलब बच्चे को ये जो भी टेंस था वो समझ में आ गया, ये रूल समझ में आ गया। अगर नहीं कर पाया तो नहीं आया। तो एक सिंपल सा वे है जिससे आप टीचर आसानी से समझ जाता है। सिक्स्थ है, कैन बी यूज इन ओवर क्राउडेड क्लास। इस मेथड को हम ओवर क्राउडेड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, यानी जिस क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक एक बच्चे पे फोकस नहीं करना होता है, एक एक बच्चे को नहीं समझाना पड़ता है, बोर्ड पे बता दो और सारे बच्चे उसको ध्यान से सुनते रहते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, यानी इस मेथड्स की लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, फर्स्ट, ट्रांसलेशन मेथड ले स्ट्रेस ओनली ऑन मीनिंग एंड इंटरप्शन। यानी ये जो मेथड है ट्रांसलेशन मेथड, वो सिर्फ किसी भी वाक्य या किसी भी शब्द की मीनिंग पर स्ट्रेस डालता है, यानी बस बच्चे को मीनिंग सिखाने से मतलब होता है। ग्रामर रूल्स आर टू बी मेमोराइज एंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ वोकेबलरी लर्न बाई हार्ट। यानी इस मेथड में बच्चे को रूल्स को रटा दिया जाता है, मेमोराइज करा दिया जाता है, और वोकेबलरी जो होती है बहुत बड़ी लंबी सी लिस्ट दे दी जाती है जिसे बाय हार्ट याद करने के लिए बोल दिया जाता है। यानी अगर हम कहें सीधी सरल भाषा में कि इस विधि में रटने पर बल दिया जाता है, तो ये अच्छी विधि नहीं है। सेकेंड है, दूस स्टूडेंट्स हु आर taught English through translation method are very poor in spoken English because they are not give any practice in speaking English। यानी जो बच्चे ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश को सीखते हैं उनकी स्पीकिंग बहुत ही पुअर होती, बहुत ही बेकार होती, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। जैसे हम सब ने भी स्कूल में इसी मेथड से पढ़ा है इंग्लिश को, तो जब हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था तो हमारे टीचर ने स्पीकिंग पे बिल्कुल जोर नहीं दिया था, बस उनको मतलब था कि बच्चे टेंस सीख जाए और जो हम एक्सरसाइज दे रहे हैं वो सही करके आ जाए। तो ये मेथड जो है वो सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करा देता है इंग्लिश को, लेकिन या रीडिंग में भी हेल्प करता है, लेकिन स्पीकिंग, लिसनिंग, इन सारे जो अदर स्किल्स हैं उन पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है। थर्ड है, द मेथड इज़ अनसाइकोलॉजिकल बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी एंड नॉट ऑन प्रैक्टिस। द स्टूडेंट मे have good knowledge of the rules of grammar। यानी ये method जो है वो एक unpsychological method है, क्योंकि ये theory पे based है, practice पे नहीं। हो सकता है कि बच्चों को grammar rules की अच्छी knowledge हो जाए, अच्छा ज्ञान हो जाए, but even then they may not be able to speak or write correct English। लेकिन फिर भी वो एक correct English ना तो बोल पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। correct English can be learned only through drills, क्योंकि एक correct English जो होती है वो केवल practice drilling के द्वारा सीखी जाती है। क्योंकि लिखने या बोलते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप उनको translate exactly word to word translate करने से काम नहीं चलता है ना, क्योंकि bookish language की बात अलग होती है और conversation language की जो बात है वो अलग होती है। फोर्थ है, इन दिस मेथड ग्रेट एम्फेसिस इज लेड ऑन लिबरल ट्रांसलेशन विच इज़ नॉट करेक्ट एंड यूजफुल। देर आर मैनी इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेसिस विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन टू द मदर टंग। कि इस मेथड पर लिबरल ट्रांसलेशन पर, आप क्या कह सकते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन पर फोकस किया जाता है, यानी जो लिखा है उसी को वैसा हम ट्रांसलेट कर दें, इस बात पे ध्यान दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड, बहुत सारे ऐसे फ्रेसेस, ईडियम्स यानी मुहावरे, वाक्यांश होते हैं जिनको हम एज इट इज़ ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दही जमा दो, या अगर एक हमें कहना है कि भाई दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये मुहावरा है। अब इसको एज इट इज़ तो ट्रांसलेट नहीं कर दोगे, इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं जो अलग तरह से लिखे जाते हैं, तो वहाँ पे ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं आता है। फिफ्थ है, दिस मेथड इज़ नॉट एक्टिविटी बेस्ड। इन इट द स्टूडेंट्स आर मोर पैसिव लिसनर्स एंड नॉट एक्टिव पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी इस मेथड में बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो पैसिव लर्नर्स की तरह होते हैं, सिर्फ बैठ के सुनते रहते हैं और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती है। तो उस नज़र से भी ये मेथड जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी कराना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ है, इट इज़ अ थ्योरेटिकल एंड लॉजिकल मेथड विच इज़ क्वाइट अनसुटेबल टू द यंग स्टूडेंट्स हु आर एट द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यानी ये मेथड जो है
वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और लॉजिकल मेथड है, क्योंकि थ्योरी रटाई जाती है, बाकी आप लॉजिक लगाओगे ये जानने में कौन सा टेंस है ये, तो ये जो है अनसुटेबल है बहुत ही यंग स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही अर्ली स्टेज के जो लर्नर्स हैं इंग्लिश सीख रहे हैं उनका दिमाग इतना तेज़ नहीं होता कि वो गैस कर पाए ये कौन सा टेंस है और इतनी सारी थ्योरी को रट पाए, इतने सारे रूल्स को याद कर पाए। इसलिए नेक्स्ट है नो बाउंड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन। इस मेथड में हमारे विचार और जो भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, उसमें कोई बाउंडिंग नहीं होती, क्योंकि बच्चा हिंदी में सोचता है और बोलता है इंग्लिश में या लिखता है इंग्लिश में है, तो कोई बाउंडिंग नहीं होती हमारे थॉट और एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट है इग्नोर द अदर स्किल्स ऑफ लर्निंग लाइक रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यानी इस मेथड पर जो दूसरे स्किल्स हैं स्पीकिंग के, जैसे रीडिंग सॉरी लैंग्वेज के, जैसे रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जोर राइटिंग पे दिया जाता है। इस नज़रिए से भी ये मेथड अच्छा नहीं है। और लास्ट है हमारा डज नॉट टीच प्रोनंसिएशन, आर्टिकुलेशन एंड इंटोनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस मेथड में हम स्पीकिंग पे बिल्कुल भी जोर नहीं देते हैं, तो बच्चे को प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन जो होता है, यानी कि एक वाक्य का स्वर है, उतार चढ़ाव है, उच्चारण है, ये सब बच्चा नहीं सीख पाता है, उसको बोलना नहीं आ पाता है सही से इंग्लिश के वर्ड्स को, जो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इस मेथड का। तो ये था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अप्रोच और मेथड क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।